सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ड्यून 2 मूवी के ऊपर, स्टारिंग नेटली डायर, मून नाइट, एल्सा, एमजे, येलेना, थेनोस, एक्वामैन, ड्रैक्स, डॉक्टर एरिक सेल्विक और भी बहुत सारे नाम हैं। खैर हर जगह समोसा डिलीवर होने के बाद इसे मास्टरपीस बोलकर बेचा जा रहा है, पर क्या यह सच में मास्टरपीस है भी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बाकी चलिए थोड़ा सा विस्तार में चलकर बात करते हैं मूवी पर। बेसिक स्टोरी प्लॉट की बात करें तो स्टोरी पार्ट 1 की ही कंटिन्यूएशन है, जहां प्लेनेट एरेकिस के राजा ड्यूक के साम्राज्य पर हमला होने और उनके मरने के बाद उनकी फैमिली को स्लॉटर कर दिया जाता है, जिसमें से सिर्फ लेडी जेसिका और उनका बेटा पोल ही बच पाया है। और पोल जिसे चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी भी कहा जा रहा था, उसे फ्यूचर के कुछ विजन्स भी दिखाई देते हैं। वेल उसे अपने आप को साबित करना है और अपने बाप का बदला और साम्राज्य वापस लेना है, तो फ्रीमैन ट्रूप्स के साथ मिलकर एडवेंचर पर निकल जाता है। सो यही कहानी देखने को मिलती है पार्ट 2 में। बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ मूवी को लेकर, तो बड़ी स्क्रीन पर मूवी को देखना एक बेहतर डिसीजन था। मूवी ज्यादा कुछ नहीं, शॉर्ट ऑफ एक अचीवमेंट है आर्ट फॉर्म ऑफ साइंस फिक्शन को लेकर और एडेप्टेशन ऑफ नोवेल फिल्म मेकिंग को लेकर, जिससे कि ये मूवी हर एक एस्पेक्ट में बेहतर लगने लगती है। इसकी स्टोरी टेलिंग में, एक्टर्स की एक्टिंग में, वो एस्थेटिक मूवी टोन, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, साउंड ट्रैक, ये हर एक चीज में टॉप क्लास है। कास्ट एंड कैरेक्टर्स पर नजर डाली जाए तो टिमोथी क्लेमेट, बंदे की पूरी सुपरनेचुरल एक्टिंग है मूवी में, रेबेका फर्ग्यूसन, मोमी नोज हर बेस्ट, जोश ब्रोलिन, ब्रोजनाओ जनरल, बाकी डेव बटिस्टा एक सीरियस ड्रेक्स डिस्ट्रॉयर के रोल में देखने को मिलते हैं, जो पता नहीं कि वो डिसीजन मेकिंग के मामले में काफी डंब है। बाकी जेंडिया, इसका वही एमजे वाला रोल है जो कि मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। पहले पोल का टेस्ट लेती है, फिर उसे टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाती है। एक्चुअली मूवी में जेंडिया को झंडू बनाकर रख दिया गया है। क्लाइमेक्स में इसके लिए एक डायलॉग भी कहा जाता है, सीजी और बेट। फिर बाकी सारे एक्टर्स सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के रोल में देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट 1 में ही खत्म हो गए थे और जो भी पार्ट 2 में देखने को मिले हैं उनका काम भी ठीक ठाक देखने को मिल ही जाता है। फिर मुझे अच्छा लगा कि मूवी में हमारे ही भविष्य के 10,000 साल आगे की कहानी दिखा रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी से सब कुछ मिलने पर भी उन्होंने इंसानों को रिप्लेस नहीं किया है, तो ये एक बेहतर चीज लगी। और मूवी की विजुअल अपील काफी बेहतरीन है, जिससे कि पूरी मूवी एक फैंटेसी वर्ल्ड लगने लगती है। वास्ट वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलती है एक बड़े स्केल पर, जो कि एमसीयू स्टार वॉर्स टाइप है, और डिटेलिंग भी काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। सिनेमेटोग्राफी बेस्ड है, क्योंकि इसका क्रेडिट ग्रेग फ्रेजर को जाता है, जिसने मास्टरी कर रखी सिनेमेटिक आर्ट को लेकर। एग्जाम्पल में आप दी बैटमैन, दी क्रिएटर देख सकते हो, बस देखते ही रह जाओगे। और बैकग्राउंड स्कोर भी काफी पावरफुल है मूवी का, क्योंकि हाँ से जिमर का म्यूजिक है बॉस। इंटरस्टेलर में म्यूजिक देखकर उसने मूवी को अमर कर दिया है। और मूवी के डायरेक्टर डेनिस विलेन्यू, भाई का डायरेक्शन कमाल का होता है। कोई भी मूवी उठाकर देख लो, ब्लेड रनर 2049 या प्रिजनर्स, इनके मूवी में एक कॉमन चीज होती है, वो एस्थेटिक मूडी टोन, वो लोर हर मूवी में देखने को मिलती है। अगर ये हर एक चीज में अच्छी है तो मास्टरपीस क्यों नहीं? मूवी मास्टरपीस नहीं है और हो भी नहीं सकती फिलहाल, क्योंकि मास्टरपीस का टाइटल फिलहाल किसी और के पास है। वेल कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स मूवी के, जैसे कि मूवी का प्लॉट एक्चुअली में वही है मसीहा वाला, एक बच्चा जो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है वो मानने को तैयार नहीं, फिर सडनली उसे रियलाइजेशन होने लगता है, फिर वो तैयार होता है, ट्रेनिंग लेता है, यही सब। मूवी काफी ज्यादा बोरिंग है, नो इमोशंस, नो एंटरटेनमेंट वाला केस देखने को मिलता है, जिसकी उम्मीद एक वाइड स्केल पर ऑडियंस करती है। इस मूवी को समझना जनरल ऑडियंस के पेशेंस की लिमिट को क्रॉस कर जाता है, मतलब बोरिंग लगने पर या समझ न आने पर ऑडियंस मूवी को बीच में छोड़कर चली जाती है। और मूवी के फर्स्ट पार्ट को देखकर मुझे भी यही लग रहा था कि क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसे देखकर। मूवी में कई सारे सब प्लॉट्स हैं जो बोर करते हैं। और आपको यह भी बताता चलूं कि एक नोवेल बेस्ड स्टोरी है, जिसके अब तक 30 से ज्यादा नोवेल आ चुकी है, तो समझ जाओ कि ये ड्यून कहाँ तक जाने वाली है। बाकी कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करें तो मूवी में रेंडमली सीन्स कट कर दिए जाते हैं। थेनोस वर्सेस ड्रेक्स का एक रीमेज देखने को मिला है, उसमें भी ड्रेक्स हार गया, और एक्शन के नाम पर बस क्लाइमेक्स में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसे भी बॉलीवुड तड़का देकर सरप्राइजिंग बनाने की कोशिश की गई है। मूवी में कॉमेडी के नाम पर एक सीन है जिसमें बंदा लेडी जेसिका की आंसुओं को चाट लेता है, सुनने में ही वियर्ड है। और एक और वियर्ड पॉइंट लगा मुझे, मूवी में किस के नाम पर एक दूसरे के मुंह की बदबू सूंघी जा रही है। फिर मूवी में लड़की पटाने की एक दो टिप्स भी दी गई है। बाकी एंड में समरी देना चाहूँ तो हर कोई नहीं झेल सकता इस मूवी को, बाकी डेट स्टार वॉर्स की जगह आराम से ले सकता है ड्यून का यूनिवर्स। मुझे पार्ट 2 से काफी बेटर लगा, मतलब मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं शायद इसलिए। और मूवी फैमिली फ्रेंडली है, पर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे फैमिली के साथ देखो, क्योंकि समझने में काफी टाइम लगता है और इतना टाइम कोई देना नहीं चाहता। सो दैट्स इट, यह था आज का वीडियो। अगर ट्रेलर के 2 सेकंड की क्लिप ज्यादा यूज हो गई तो चैनल की बैन बच जाएगी। WB का प्रोडक्ट है, सीधे स्ट्राइक देते हैं वो। बाकी ड्यून मूवी और इसकी यूनिवर्स को लेकर आपके क्या व्यूज है, अपने व्यूज कमेंट पर जरूर लिखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ, टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ अमेजिंग वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।